नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार से छटक कर उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए हैं। अलग होने के बाद ऐसा लगा था कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के संपर्क में जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक नई पार्टी बनाई आरएलजेडी नाम की, जिस पार्टी के तहत उन्होंने कुशवाहा समाज को खासतौर पर अपने से जोड़ने की कवायद शुरू की। विशेष बात यह रही कि जब तक उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार एक साथ रहे, नीतीश कुमार पर कभी भी सीधा हमला उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने ललन सिंह को खास तौर पर टारगेट किया। यह एहसास कराया कि नीतीश कुमार लवकुश समीकरण से बिल्कुल अलग हटते जा रहे हैं। हालांकि जब नई पार्टी उन्होंने बनाई तो ये बात खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता उन्हें भी थी कि जो कुशवाहा समाज आज नीतीश कुमार से अलग हटके फिर से एक बार, चाहे अनेकों बार कह सकते हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ा रहा, आज पुनः वो उपेंद्र कुशवाहा को देख रहा है और उनके एक्शंस को स्क्रूटिनाइज कर रहा है कि क्या वाकई नीतीश कुमार से अलग हटके उपेंद्र कुशवाहा कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना पाएंगे, या फिर जो पुरानी रालोसपा थी, जिस तरीके से एक बिहार में एक और पार्टी के तौर पर काम कर रही थी, क्या वैसा ही सब कुछ चलेगा। देखिए, पूत के पाँव पालने में नई पार्टी जब बनी तो सम्राट अशोक के कार्यक्रम के दौरान मंच साझा करने के लिए एक सामाजिक समीकरण के तहत सभी का समावेश करके उपेंद्र कुशवाहा ने मंच को लोगों को समर्पित किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और ये स्पष्टता कहीं ना कहीं उम्मीद की गई कि आप किस समीकरण पर काम कीजिएगा ये स्पष्ट कीजिए, तो उपेंद्र कुशवाहा ने लगभग इशारों में ये बात कह दी कि हम कुशवाहा राजनीति को नया आयाम देंगे, लेकिन हम सभी समाज के लोगों को जोड़कर चलने वाले हैं। खास बात क्या है? तो खास बात ये है कि कहीं ना कहीं इसमें विभिन्न जातीय समीकरणों को जोड़ने के अलावा कुशवाहा समाज को नेतृत्व देने की कहीं ना कहीं तैयारी की गई। बाद में समीकरण के तहत एक कमेटी अनाउंस की गई, जिस कमेटी में खास ध्यान रखा गया कि कुशवाहा समाज के नेताओं को जगह मिले। जो पूरी कमेटी आपको हमने बताई भी थी कि जितेंद्र नाथ उपाध्यक्ष बनाए गए थे, माधव आनंद प्रधान महासचिव बनाए गए थे, फजल इमाम मलिक महासचिव सह प्रवक्ता बनाए गए थे राष्ट्रीय कमेटी में। उसके अलावा बिहार की कमेटियां भी बनी थी, लेकिन एक खास बात इस कमेटी के में हमने नोटिस की थी। हमने देखा था कि जो लोग लगातार आगे पीछे थे उपेंद्र कुशवाहा के, जब वो नाराज होकर उससे पार्टी से निकल कर आए थे, सिन्हा लाइब्रेरी में बैठक की थी, उन लोगों का नाम नहीं था। हमने देखा कि इसमें खास तौर पे उस एमएलसी का भी नाम नहीं था जो नीतीश कुमार की पार्टी में तो ज़रूर है, लेकिन जिनका हृदय शायद अब उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा समाज के लिए धड़कता है। रामेश्वर महतो की बात कर रहा हूँ मैं, उनका इसमें नाम नहीं होना कहीं ना कहीं चौंकाता है। हालांकि अभी तो ये प्रारंभिक फेज़ है, अभी तो इस कमेटी का निर्माण ही हुआ है और इसके नीचे कई कमेटियां और कई लोगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि शुरुआती दौर में इस पार्टी के निर्माण और उपेंद्र कुशवाहा के जो हालिया जो उनका रहा नीतीश कुमार या फिर ललन सिंह से जो विवाद, उसमें उनका साथ देने वाले लोग इस कमेटी में मिसिंग नज़र आए। आपको याद होगा जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए थे तो उपेंद्र कुशवाहा से भी कुछ लोग अलग हुए थे, जिनमें मुख्य नाम आता है धीरज कुशवाहा का। धीरज कुशवाहा जो कि अब जदयू में है और उन्हें जदयू में जिम्मेवारियाँ भी दी हैं, संगठन में स्थान भी दिया है, वो कहीं ना कहीं इशारों में हमला कर रहे हैं और वो एहसास करा रहे हैं उन लोगों को जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ आगे पीछे तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है। ना तो राष्ट्रीय जो संगठन बना उसमें स्थान मिला, ना जो प्रदेशी इकाई की संगठन बनी उसमें कहीं कुछ जिम्मेवारी मिली। ऐसे में कई नाम हैं, देखिए कोई विशेष नाम लेकर इस चर्चा को बहुत छोटा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन तजुर्बा बताना चाहूँगा कि ऐसे कम से कम आधा दर्जन नेता हैं जो लगातार हमारे चैनल पर या अन्य चैनलों पर भी लगातार मुखर रहे। उन्होंने मुखरता से उपेंद्र कुशवाहा की बात को रखा, उपेंद्र कुशवाहा का पक्ष लिया, जिस पार्टी जदयू में वो थे उस पार्टी से बगावत की, नीतीश कुमार के सामने एक्सपोज हुए, बागी हुए, और अंततः लगातार जो रास्ता है दोनों चरण में जो नमन यात्रा थी उपेंद्र कुशवाहा की,
उसमें भी उन्होंने लोगों कार्यकर्ताओं को जोड़ा, लेकिन ऐसे लोगों का नाम ही कहीं इस लिस्ट से गायब होना अपने आप में एक बड़ा कहानी कहता है। और ये कहानी दरअसल और कुछ नहीं है, ये कहानी समावेश और राजनीतिक समीकरण की है। क्या फिर उपेंद्र कुशवाहा उसी रास्ते पर चल चुके हैं? क्या रालोसपा पुनः बन गई है, यानी आरएलजेडी जो है वो रालोसपा के लाइन पर ही आगे बढ़ रही है? क्या सत्ता के केंद्र की ओर फिर से एक बार नीतीश कुमार, जो हर राजनीतिक चुनाव जब आता है सामने, चाहे लोकसभा का विधानसभा को, तो उनका सत्ता की ओर एक शुरू हो जाता है माइग्रेशन, क्या फिर से यही शुरू हो गया है? देखिए, प्रथम दृष्टि आप एक बात जान लीजिए कि जदयू की नज़र आरएलजेडी और आरसीपी सिंह के साथ जितने भी बागी नेता गए हैं उन पर है। जहां आरसीपी सिंह को सीधे तौर पर नीतीश कुमार और ललन सिंह चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो जाए, उनके लोग टूटकर इनके साथ आ जाएं, वहीं आरएलजेडी को भी और उपेंद्र कुशवाहा को भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं जदयू, और कोई नहीं कर रहा है, बल्कि ये वही लोग हैं जो एक समय में उपेंद्र कुशवाहा से अलग हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, एक एमएलसी की सीट भी मिलती है तो वो किसी कार्यकर्ता को नहीं दे पाते हैं, सीटें मिलती हैं लोकसभा की तो सारी सीटों पर खुद लड़ना चाहते हैं, या सीटों को तथाकथित रूप से आरोप जो लगता है उसके हिसाब से बेच देते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा पर एक बार फिर, और मुझे लगता है शायद आखिरी बार, समाज ने भरोसा किया है, और उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा जो ऋण है वो उपेंद्र कुशवाहा को चुकाना पड़ेगा। और ऐसे में अगर ललन सिंह, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बनने के बाद आरसीपी सिंह के विरोध के बाद तो ये एहसास भी हुआ था कि कहीं ना कहीं जदयू कमज़ोर हुई है, तो उसको भी कहीं ना कहीं पाटने के लिए, उस बात को काटने के लिए अब इन पार्टियों में भगदड़ मचा सकते हैं। और आपको बहुत जिम्मेवारी और पुख्ता तौर पर ये बात हम बोल के चलते हैं इस खबर में कि कम से कम 6 ऐसे नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा के आसपास, किसी कड़ी में हम आपको उनका नाम भी बताएंगे, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिल से हैं, मन से हैं, शरीर से हैं, लेकिन उन्हें इस बात की पीड़ा है कि प्रारंभिक जो कमेटी बनी उसमें उन्हें स्थान नहीं दिया गया, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर से बिल्ली गले में घंटी बांधने वाली परिस्थिति बन गई है। और अगर ये नेता थोड़े से भी इनकी अनदेखी और की जाती है, या वक्त रहते इन्हें इस कमेटी में जगह नहीं मिलती है, तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि इन सारे नेताओं को तोड़ कर ले जाने की तैयारी करने वाला और कोई नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा के गुट से छोड़ कर गए दो तीन नेता हैं जो अपनी तरफ से फिश हुक का काम कर रहे हैं, और इन सारी बागी मछलियों को ललन सिंह के दरबार में कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हो सकता है जब तक आप खबर देख रहे होंगे तब तक इनमें से कुछ लोग जाकर ललन सिंह से मुलाकात भी कर लें। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।